हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेट्रोल एंड प्रियांशु। सो होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है अपनी एक बहुत ही एमपीवी की बात कर रहा हूँ, 7 to 8 सीटर जिसको गाड़ी चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम थे, लाइक अपना 10 से 12 की रेंज में एक आती थी अपनी अर्टिगा, ऑल टाइम जो मारुति का प्रोडक्ट है, सीएनजी में बहुत चलती है, बहुत बिकती है, आपको पता होगा। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन एक किया की तरफ से जो अपना इनोवा को टक्कर दे सकता है, उसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, किया कैरेंस की। तो ये पीछे गाड़ी है गाड़ी, और इसमें देख रहे हो 17 इंची अलॉय भी लगे हैं। सबकी बात करते हैं एक एक करके, तो इसकी मैं आपको स्पेक्स बता दूँ। ये है किया कैरेंस प्रेस्टिज मॉडल IMT टर्बो, और इसमें 17 इंची अलॉय लगे हुए हैं। तो इसकी माइलेज वगैरह पे कितना असर पड़ा है वो सब आपको बताता हूँ। और मैं निकला हुआ हूँ एक अपनी रोड ट्रिप पे, तो इसमें हम 8 बंदे जा रहे हैं टोटल विद लगेज, तो उसका भी आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या सीन रहता है। तो आइए गाड़ी करते हैं। करते हैं इसकी की से, तो ये अपना प्रेशर मॉडल है, आपको इसी मॉडल से आपको अपनी मिल जाती है फ्लिप की। तो यार ये बड़ा सही लगता है, क्योंकि आप अर्टिगा वगैरह का बेस से भी ZX सही नहीं लोगे। नीचे सारे मॉडलों में उनकी वही 10 साल पुरानी चाबी है, 10-15 साल हो गए उसके सेम चार्जिंग में, उसी में सेंटर लॉकिंग। तो इसकी की काफ़ी प्रीमियम है, और इसका मेन हम ना थोड़ा थोड़ा कंपेरिजन करते चलेंगे इसकी डायरेक्ट ट्राइवल से अर्टिगा से, तो उससे आपको थोड़ा और पता लग जाएगा क्या क्या सीन है। तो उसकी फ्रंट से बात करते हैं, और यहाँ पे इसकी प्रोफाइल है पूरी हैलोजन बल्ब आते हैं इसमें आगे लाइट में। DRL यहाँ पे इसकी नहीं आती, ये वाली ये टॉप मॉडल में आती है, लेकिन फिर भी इसमें नीचे हमने HID डलवा रखी है, और नीचे ये लगे हुए हैं इसमें फॉग लैंप्स। ये आफ्टर मार्केट है, इनका थ्रो बहुत तगड़ा है अपने हाईवे पे। ये वाइट लाइट के साथ आते हैं, और अपना इसमें येल्लो का भी ऑप्शन है, जैसे फॉग वगैरह में वाइट वो हो जाती है, तो इसमें येल्लो भी आप कर सकते हो। ये मैं आपको एक शॉट डाल दूंगा कि रात को इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। दोनों साइड ये हो गए, तो ये हो गया इसका हॉर्न। हॉर्न इसका आपको पता ही है काफ़ी स्पोर्टी आने लग गए हैं हुंडई और अपना किया में, और ये लाइट इसके जल रही है। तो अभी इतना नहीं पता लग रहा, एक पार्किंग बल्ब छोटा सा हेलोजन छोड़ा हुआ है, और ये पूरी आपकी LED ली हुई है। तो अब इसकी बात करते हैं अंदर से, अंदर से इसमें क्या क्या है। और इसका मेन जो अट्रैक्शन है साइड में, ओनली वन इन इंडिया इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, 16 इंची आते हैं 195 प्रोफाइल के साथ। इसमें डले हुए हैं 215 R17, और ये अब देखो कितने मतलब बाहर आ रहे हैं साइड से प्रोफाइल देखो गाड़ी की। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ MPV फैन, लेकिन ये गाड़ी को देख के मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गई। आप इसकी एक बार ना यहाँ पे देखो, ये खड़ी है कैसी लग रही है रोड पे, मतलब कुछ लगेगा कुछ चल रहा है। और अब इसकी बात करते हैं अंदर से, साइड में आपको रिटर्न इंडिकेटर है, आपको OVM पे मिलता है। 8 सीटर वाला वेरियंट है ये, कैप्टन सीट्स वाला नहीं है ये, मैं पहले बता दूँ कैप्टन सीट्स वाला। तो भाई अंदर आते ही ना आप जैसे ही बैठोगे आपको वेलकम फंक्शन मिलता है इस पर, पूरा ये बना आता है आपका ग्राफिक्स। तो इसका स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें पहले से आते हैं, क्रूज कंट्रोल नहीं आता इसमें इस मॉडल में, लेकिन और सब आपको मिल जाएगा पूरा आपका। डिजिटल ओडो डिजिटल मीटर है पूरा, और यहीं पर टच स्क्रीन लगी हुई है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले सारे वर्क करते हैं, वो भी वायरलेस वायरलेस आता है इसमें। और ये मेरे साथ है मेरा भाई सार्थक, राम 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 जी। ये उधर एक अपोल्डर, ये MPV है, तो आपको एक ऐसा फैमिली कार जिनकी फैमिली बड़ी है उनके लिए इसमें स्पेस भी बहुत सारे हैं, आपको सारे एक एक करके दिखाते हैं। ये IMT वाला वेरिएंट है अपना, इसमें आपका क्लच नहीं होता, सीधा डायरेक्ट यहीं से आपका गियर शिफ्टिंग हो जाती है स्मूथ आर, यहाँ से आपको जैसे ऑटोमेटिक में उठती है ना गाड़ी, आपको ब्रेक दबा के आपने जैसे डी पे करी धीरे धीरे छोटी ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे चलने लग जाती है। तो वो उसमें सेम सिस्टम है, फर्स्ट पे लगाया आपने ब्रेक दबा पे फर्स्ट पे लगा लिया, फिर धीरे धीरे छोड़ोगे गाड़ी चलने लग जाएगी, उसके बाद आपको ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट इससे चेंज करते रहो अपना इजिली। ये स्टार्टिंग में काफ़ी अजीब लगा था मेरे को भी, लेकिन काफ़ी ईजी है, ईजी टू हैंडल है।
यहाँ पे इस साइड टिकट होल्डर, उस साइड अपना आ गया मिरर, यहाँ पे ऊपर सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे दोनों अपनी एलईडी लगी हुई है, ये आफ्टर मार्केट लगवाई है। और इसमें मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया, ओनली वन इन इंडिया अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं प्रोफाइल सेक्शन, और जो उसका स्नेक वाला डिजाइन है ये अभी तक हमने नहीं देखा, हम श्योर नहीं है, अगर कोई हो तो भाई कमेंट कर देना, कोई ऐसी लड़ाई वाली बात नहीं है कि ओनली वन इंडिया हमारी है आपकी है। चलो यहाँ पे आपका स्पेस मिल जाती है अच्छी, दोनों साइड का फोल्डर है, इधर टिकट होल्डर है, उस साइड का फोल्डर है, और इसका अब ये ऑन करते हैं। तो भाई ये देखो मीटर, प्रेशर मॉडल से आपको ये फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है, बीच में MID है, लेफ्ट साइड आपकी रेस है, राइट साइड आपकी RPM है। और इसमें ये देखो पूरी एम्बिएंट लाइटिंग लगी हुई है, ये देखो कितनी सही लग रही है, ये भी आफ्टर मार्केट लगवाई है, 18 पीस का सेट है, और ये आपकी डे लाइट है, आप देख रहे हो राजस्थान की गर्मी में खड़ा हूँ मैं, तो यहाँ की धूप भी बहुत तेज़ होती है, और उसमें भी इतनी क्लियर दिख रही है। इसमें ऑटोमेटिक ऐसे नहीं आता, लेकिन पूरा फुल डिजिटल आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपकी स्क्रीन सब कुछ मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाएगी एक अपनी फास्ट चार्जिंग की स्लॉट, एक USB और एक बीच में 12 वाट का सॉकेट, और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं इसमें प्रेशियस से, और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, 6 गियर आते हैं, और ये अपना ये भी कम्युनिकेटेड है, इसमें ये भी कम्युनिकेटेड आता है, इसका बहुत बड़ा आर्मरेस्ट है देख लो, एयर प्यूरीफायर लगवाया हुआ है। तो अब और देखो यार, जो मैं माइलेज की बात कर रहा था ना भाई, अब बड़े अलॉय लगवा तो लेते हो, 9.5 की अभी दे रही है ये हाईवे पे, 10-11 मैक्सिमम दे रही है हमें हाईवे पे, और अभी इसकी सेकंड सर्विस नहीं हुई, तो शायद सेकंड सर्विस के बाद बढ़ जाए, अभी नई नई गाड़ी है, अभी चली भी 3986 है आपके सामने, देख सकते हो आप। सोन जी, हम बात कर रहे हैं किया करेंस के इंटीरियर की, प्रेस्टीज मॉडल IMT पेट्रोल। तो अब मैं आपको जानबूझ के ना नाइट में लेके आया हूँ, कि जब मैंने सीधा बंद कर दी थी वीडियो, सीधा आपको दिखाता हूँ नाइट में। तो इसमें एम्बेड लाइटिंग लगवा रखी है ना, बहुत जेन्युइन लगवाई हुई है, 18 पीस का पूरा सेटअप है, टॉप मॉडल में जो आती है उससे बढ़िया लगवाई हुई है, टॉप मॉडल में यहाँ पे गियर नॉब के आसपास आती है थोड़ी, वो नहीं लगवाई हमने, लेकिन उसके अलावा आपके रियर में और साइड्स में, बॉटल होल्डर में, डोर हैंडल्स में, अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ, आप देखना आप सीधा, नेक्स्ट क्लिप जादू। पूरा आपको एक कॉकपिट सा ही लगता है पूरा, सामने उससे मैचिंग ही हमने कलर करा हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, फुल डिजिटल, और साइड्स में यहाँ पे बॉटल होल्डर में भी यहाँ पे लाइट है, और यहाँ पे सारे बटन्स में पावर विंडोज के, और रियर में पूरी ऐसे, और रियर में आपको मिल जाते हैं 2 Type-C पोर्ट, और यहाँ पे पीछे का सेपरेट AC, और 3rd AC में भी 2 Type-C पोर्ट मिलते हैं आपको। और तो अभी ना पूरी सीट फोल्ड हो रखी है, क्योंकि हम 8 बंदे आए हैं, तो उसकी भी आपको एक ना सेपरेट छोटी सी वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे हम इसमें इनोवा से बेटर स्पेस लगा हुआ जिसमें क्रिस्टा से, और अर्टिगा तो एनी डे फेल कर दिया इसने, जब इसकी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है अर्टिगा से थोड़ी महंगी पड़ती है, और CNG ऑप्शन नहीं आता इसमें, लेकिन जिसको डीजल लेना है और थोड़ा माइलेज का चक्कर नहीं है, टर्बो पेट्रोल वगैरह वो ले सकता है, बहुत अच्छा एम्बियंस भाई, इतना प्रीमियम आपको इंटीरियर अर्टिगा में बैठ के नहीं लगेगा, इसमें बहुत प्रीमियम लगता है, एक रात को वाइब सी आ रही है, आपका मन करेगा बैठे रहो बस गाड़ी में ये।